हैं जो पहले चला करते थे, मैं वो देखूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ही है वैसे तो दिल्ली में, तो कहीं भी बैठा बड़े कोशिश का मजा लेना। इन रिक्शों में ना छोटे छोटे सौकल लगे हुए, तीन इधर भाई आ रहा है दिल्ली में। तो फिलहाल तो भाई ठंडा सा होने लग गया मेरे को, और भाई अब थोड़ा सा टाइम नहीं होगा तब तक मेरे को अच्छी घूमना है, पर वो छोटे छोटे हैं थोड़ा ऐसे वाइब्रेट सा कर रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे ढंग से, तो इसलिए सोना भी है मुझे। और पैदल तो लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ आओ तो भाई पैदल घूमो, क्योंकि बिना बोलने के मजा ना भी नैनीताल आने का मजा है, ठंड में सुगड़ रहा हूँ। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर होता रहेगा और मैं ऐसी इंटरटेनमेंट करता रहता है। जो पुरानी चीज़ें होती है ना चली जाती है वापस नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं पर चीज़ें मैंने कभी ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मैं रिक्शा में जाता ही नहीं था, मुझे अपने नैनीताल आता था। और ये भी रिक्शा स्टैंड है यार यहाँ पे ना, मतलब नैनीताल में आपको कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिससे आपको डिस्टर्ब हो जाए। लोग हुई थी इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो इसलिए मैं वैसे तो प्यार की वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो अपने प्यार को ऐसे बनाए रखना और ऐसी मेहनत मैं कर घर जाऊंगा, देखूंगा बना पाऊंगा वीडियो तो ठीक है। तो दोस्तों हमने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं आ चुका हूँ, यानी कि रिक्शा स्टैंड पे, कि ये रोड घूम के यहीं आ जाती है और अब हम करेंगे रिक्शे की सवारी। तो चलो तो अब देखते हैं रिक्शा यहाँ का, क्योंकि यार बहुत अच्छा लगता है यहाँ के रिक्शे में सवारी करना, क्योंकि ना बहुत पुराने टाइम के रिक्शे हैं जो पहले चला करते थे, मैं वो देखूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना लेकिन इतना ईजी नहीं है रिक्शे में बैठना, पहले ना वहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी हमको जाके, तो ये चीज़ यहाँ पे ही है। वैसे तो दिल्ली में तो कहीं भी बैठ जाओ ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे ना आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट लेने के बाद आप रिक्शे में बैठोगे। तो चलो इसका भी आनंद ले लेते हैं और देखते हैं भाई कि रिक्शा स्टैंड की टिकट कितनी है। तो चलो ट्राई करते हैं, मतलब दिल्ली में तो हम किसी भी रिक्शे में ऐसे ही बैठ जाते हैं। 28 तो यहाँ पे ना पहले रिक्शे में बैठने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। कितने की टिकट है? 20 रुपये की। जी टिकट लेना जरूरी होता है? हाँ दिल्ली में तो किसी में बैठ जाओ, वहाँ अलग बात है, यही सिस्टम। अच्छा यही है, 28 नंबर में बैठो। 28 नंबर वो पुराने वाले में बिठाना मुझे, मैं कोशिश का ही मजा लेना है। टिकट दे भैया, ये लो लो। 28 मेरे पास है, इसको दे दो 32 करो, इसको जाओ आगे दे, मैं जाऊँ ना। 28 तो भाई ऐसे टिकट लेनी पड़ती है, 20 रुपये की टिकट है, 28 नंबर है, पता नहीं किसका है, कौन है भाई 28? वो लाल जैकेट। तो भाई 28 नंबर टिकट है, लाल जैकेट वाले भाई के साथ साथ जाएंगे, भाई के साथ जाएंगे। और ना देखो ऐसा है रिक्शा, ये बहुत टाइम पहले रैली में ऐसे चलते थे, बंद हो गए, पर इनमें बैठने का मज़ा अलग है। तो चलो इन्जॉय करते हैं, और इन्जॉय करते हैं नैनीताल में रिक्शे की सवारी। अरे अरे बैग ना मेरा तो बहुत परेशान कर रहा है यार। तो भाई देखा इतना ईजी नहीं है भाई, धीरे धीरे चलना भाई, देखो शूट करना है ठीक है, धीरे धीरे चलाना। तो भाई ये रिक्शे वाले भैया हैं, क्या नाम है आपका? क्या आवाज़ नहीं आ रही? चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चलाओ, मेरे को आराम से घूमने देना। तो भाई यार ना इन रिक्शों में ना छोटे छोटे सौकल लगे हुए, तीन इधर भाई, बड़ा अजीब सा लग रहा है, और ऐसे वाइब्रेट होता है ना वैसी टाइप का कुछ हो रहा है मेरे को नीचे। तो यार मतलब क्या ही बोलूँ, मज़ा आ रहा है। दिल्ली में तो अब नहीं मिलता देखने को, बस अब यहीं पर ही ये रिक्शे हैं, वरना दिल्ली में तो वो दूसरे वाले, अब तो ई रिक्शे चलते हैं, दिल्ली में तो ये वाले बंदी हो गए। और ये भी कहाँ थे, हमने CNG रिक्शा नाम रख दिया था, वो जो छतरी वाले आ गए थे बड़े वाले, तो अब तो वो भी गुम हो गए हैं, और अब सिर्फ वहाँ बैटरी वाले ही दिखते हैं ई रिक्शे, और अब ये वाले तो देखने को ही नहीं मिलते। और बहुत मज़ा आ रहा है भाई, तो भाई ठंडा सा होने लग गया मेरे को, और भाई अब थोड़ा सा मेरा लगने लग गया है, जैकेट पहननी पड़ेगी, निकाल के बैग में रखी हुई है मैंने। हाल की तरफ आओगे ना तो शाम को इसकी वजह से भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि हाल है तो इसलिए ठंडा भी ज़्यादा होने लग जाता है। पर लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, मैं क्या बोलूँ, ये रिक्शा कब बैठे थे कुछ पता ही नहीं है भाई इसका तो अभी, और मैं नैनीताल भी आ रहा था तभी नहीं बैठा था, पर आज मैं फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, क्योंकि मैं नैनीताल पहले भी आऊँ, मैं रिक्शा में बैठा नहीं, क्योंकि मैं लाइन देख के ना नहीं जाता था, मैं कहता था यार कौन जाएगा ऐसे, पर लेकिन आज मैंने कहा चलो फ्री माइंड है, कहीं जाना नहीं है और कहीं पे और कोई भाई के साथ जाना, तो जब तक उस पर टाइम नहीं होगा तब तक मेरे को ऐसे घूमना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आराम से इस रिक्शे का ही मज़ा ले लूँ। और 20 रुपये की टिकट है, पर ये देख सकते हो ये लेनी पड़ती है, और लेकिन जब भाई को जाना था तब भीड़ थी, पर अभी मैं घूम के आया तो अच्छा हुआ, पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और मैं गया और मैंने टिकट ले ली बस सीधा, तो बस रिक्शा भी तैयार खड़ा था, बस मैं ये कोशिश कर रहा था मेरे को ई रिक्शे में नहीं बैठना, मेरे को ये ओल्ड वाले में ही बैठना है, क्योंकि इसमें ना शौकर है छोटे छोटे, मेरे को
मैंने सोचा देखो इसका सॉकर का मजा कैसा आता है, कि बाइक कैसा होता है या थोड़ा अलग होता है, पर वो छोटे छोटे हैं, थोड़ा ऐसे वाइब्रेट सा कर रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ताल आप देखो तो इसकी वजह से अब ठंडा ज़्यादा होने लग जाएगा यहाँ पे, और अभी थोड़ी देर बाद तो ये रोड भी बंद हो जाएगी दोस्तों, ये जितनी भी रोड है ना ऊपर की ये सारी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये 6 से मेरे ख्याल से 8 बजे तक बंद हो जाती है, क्योंकि अभी सारे काउंटर मतलब बाहर आ जाएंगे, सारे स्टॉल लग जाएगा और लाइटें लग जाएंगी, फिर ये तो अलग ही दुनिया लगती है, थाईलैंड टाइप की लगेगी फिर ये आपको देखने पे। और कोशिश करूँगा आपको नाइट का ब्लॉग दिखाने की, मतलब कल, क्योंकि कल हम और वीडियो पे काम करेंगे, आज थक भी गया हूँ क्योंकि मैं आपको पता है सफ़र से आया हूँ तो थका भी था, तो इसलिए अब वीडियोज़ मूव करने हैं, एडिट करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से ही काम करूँगा, क्योंकि आज 2-3 ब्लॉग मैंने शूट कर लिए हैं, एडिट करना है मुझे और रिमूव भी करना है डाटा, तो इससे टाइम लग जाएगा, और सोया भी नहीं हूँ ढंग से, तो इसलिए सोना भी है मुझे, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं। और देखो दोस्तों दिखता है माल रोड भाई, दिखता है नैनीताल वहाँ से, तल्लीताल से नैनीताल दिखता छोटा सा, पर भाई छोटा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तब रिक्शे में बैठने के बाद भी मुझे 4-4.5 मिनट लगते हैं, तो छोटा मोटा नहीं है, और पैदल तो लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ आओ तो भाई पैदल घूमो, क्योंकि अगर आप यहाँ घूमने आए हो पैदल नहीं घूमोगे तो आपको फिर मज़ा क्या आएगा, और आपने क्या फील किया ये आप खुद ही सोचो। और बोटिंग जरूर करना, क्योंकि नैनीताल आओ तो बिना बोटिंग के मज़ा ना, क्योंकि नैनीताल आने का मज़ा ही बोटिंग का है, तो मैं कल करूँगा बोटिंग भाई के साथ, क्योंकि कल वो छुट्टी ले लेगा, तो कल हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर घूमेंगे और क्या क्या दिखा सकते हैं वो हम सब कुछ शूट करेंगे। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही है, कोई थक भी गया हो अभी घर जाते हैं, कभी बनेगा ऐसी बात नहीं है, अभी बनाना भी है, ऐसा नहीं कि रुक गया है, अभी और ज़्यादा काम करना है मुझे, क्योंकि मेरे को 2 दिन है मेरे पास, 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ब्लॉग दिखाने हैं, और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम करना है, तो इसलिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठंड में सुगड़ रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपका बस भाई ऐसे ब्लॉग बनाता रहता है, तो देखो ठंड के मारे हाथ कैसे हो रहे हैं, तो यार प्लीज़ यार सपोर्ट कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना अपने फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल सब में, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चाहे इंस्टा पे कर देना, चाहे फेसबुक पे, मतलब दबा के यार शेयर करना, और मैं ऐसे काम करता रहता हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा, तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो बस, और मैं ऐसे ही टूर करता रहूँगा और आप लोगों का एंटरटेनमेंट होता रहेगा, और मैं ऐसे एंटरटेनमेंट करता रहूँगा आप लोगों का, तो यार प्लीज़ यार आप लोग ऐसे प्यार बरसाओ अपना, और फैमिली के साथ बैठ के मेरे ब्लॉग देखा करो, क्योंकि मैं फैमिली ब्लॉग बनाता हूँ, तो आपको पता ही है टूरिंग और फैमिली ब्लॉग इसलिए आते हैं मेरे, तो बच्चे बड़े सब देख सकते हो, एंजॉय करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो फिलहाल तो बहुत ठंड लगती है यार मुझे, वैसे मुझे लगा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार मौसम ठीक हो जाएगा, पर यहाँ धूप आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर ठंड इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि धूप का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और जगह धूप आती है तो कम हो जाती है, पर नैनीताल में धूप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है भाई, मतलब इतना ज़्यादा ठंड होता है यहाँ पे। तो यार ऐसा है कुछ माल रोड, तो आपने देख लिया होगा ये माल रोड आपने, और ये रिक्शे में तो मज़ा ही आ गया मेरे को, और रिक्शे वाले भाई के साथ भी मज़ा आ गया और अच्छा लगा, रिक्शे वाले भाई मैंने उनसे बोला था धीरे चलाना क्योंकि मेरे को देखना है, तो उन्होंने भी कर दिया, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते तेज चलाते क्योंकि जल्दी आना होता है, उन्होंने मेरे लिए धीरे भी चलाया, तो थोड़ा उनको भी थैंक यू, उन्होंने भी सपोर्ट किया मेरे को, तो यार अच्छा लग रहा है यार, अरे ऐसे रिक्शे में बैठ गया सच में यार, बहुत अच्छा लगता है, जो पुरानी चीज़ें होती है ना चली जाती है वापस नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं पर चीज़ें मिलती है, जैसे हमारे नैनीताल में अभी भी देखो ये रिक्शा आज भी बिल्कुल वर्किंग मोड में, इतनी बढ़िया कंडीशन में है कि मतलब कोई नहीं बोल सकता पुराने टाइम के रिक्शे, और देखो बिल्कुल नए जैसे हैं और एकदम चकाचक है, और रिक्शा स्टैंड कैसा लगा है बताना बिल्कुल, और आप लोग जहाँ से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं आप लोग भी बताना आपकी स्टेट में, या सच में ऐसे ही इस रिक्शा स्टैंड है जैसे यहाँ मैंने देखे, मैंने दिल्ली में नहीं देखे ऐसे रिक्शा स्टैंड, मतलब लग ही नहीं रहा यार, तो खूबसूरत इतना प्यारे बना रखे हैं यार क्या बोलना, तो लेकिन यार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मैं रिक्शे में जाता ही नहीं था, मैं जब नहीं चला पता, मैं कम से कम ना मेरे को 7-8 साल के आसपास हो गया होगा नैनीताल आए हुए, मैं उस समय आया था, मेरे को कंफर्म नहीं है सही से, इसलिए मैं ऊपर नीचे बता रहा हूँ, पर मेरे को कम से कम नहीं भी होगा तो 7-8 साल के बीच हो चुका है मैं नैनीताल नहीं आया हूँ, और फिर बाद में जॉब भी लगे तो वैसे ही नहीं आ पाया, तो इसलिए मैं कभी आ नहीं पाया, तो इसलिए दोस्तों फिर इतना लॉन्ग टाइम हो गया, तो आज मैंने चीज़ों को ढंग से देखा है, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता तो इसलिए मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। और ये देखो तो हम तल्लीताल पहुँच गए, और ये भी रिक्शा स्टैंड है, देखो इतना खूबसूरत है, देखो ऐसे डिज़ाइन बना है। आपका नाम क्या था? जयराम। जयराम थैंक यू, आपका धन्यवाद, रुको यार ऐसे मत जाना, तो भाई जी को यार मेहनत करते हैं भाई जी, कितनी सवारी ऐसे ले जाते हो डेली? कभी 2, कभी 1, कभी 3। अच्छा सही है सही है, ये आपके लिए ठंडा है चाय पीना, ठीक है थैंक यू।
तो ये थे जयराम जी और बहुत अच्छा लगा इनके साथ यार। इन्होंने ना मतलब मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि यार आप तेज मत चलाना क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करना चाहता हूँ और मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो यार आप इतनी तेज़ी से ले आओगे तो फिर मैं क्या ही दिखाऊंगा। तो यार वो सच में इतने प्यार से लेके आए ना यहाँ पे, तो मतलब अच्छा लगा। मतलब अच्छे यार यहाँ पे ना, मतलब नैनीताल में आपको कभी भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिससे आपको डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार ये बंदा ऐसा वैसा। सब बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे और सपोर्ट भी करते हैं, बोलने की देर है, पीछे कोई नहीं हटता, सब अच्छे हैं यार और अच्छा लगता है। तो इसलिए यार आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो पीछे आप लोग भी एक बार विजिट करें और नैनीताल घूमें, अच्छी जगह है। और ज़्यादा से ज़्यादा यार इस वीडियो को शेयर करना ताकि आप वाकई में लोग आए और घूमें हमारे नैनीताल में। तो दोस्तों बैटरी लो हो गई थी इसलिए ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो इसलिए मैं वैसे तो यहाँ तक आया गया था। अभी मैंने पावर बैंक लगा दिया है और अभी इसे चार्ज करो क्योंकि गोप्रो की बैटरी जल्दी ड्रॉप हो जाती है, आपको पता ही है, मैं इसे दो बार चार्ज कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आते आते बंद हो गया था फिलहाल, तो मैंने ब्लॉग एंड ही कर ही दिया था पर लेकिन बात करते करते रह गया था। इसलिए दोस्तों आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि यार बस यार ऐसे सपोर्ट बनाए रखना और मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो अपने प्यार को ऐसे बनाए रखना और ऐसी मेहनत मैं करता रहूँगा। बस आप ऐसी सपोर्ट करते रहना और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वो आ जाएगा तो उसके बाद मैं घर जाऊँगा, देखूँगा बना पाऊँगा वीडियो तो ठीक है, नहीं तो फिर बंद ही कर दूँगा। फिर कल का देखेंगे, हम मंदिर जाएँगे कल नैना देवी मंदिर और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो भी है और बोटिंग भी है तो वो कल करेंगे। तो फिलहाल तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही रखते हैं। तो चलो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा। और मेरा नैनीताल का ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना।